नमस्कार, मैं गरिमा खरे और आपका स्वागत है आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व में भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान को लेकर कम होते रुझान को देखते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा था। इसके मनाए जाने के पीछे निर्वाचन आयोग का उद्देश्य था। भारत निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतांत्रिक देश बनने वाला था और भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन जरूरी था। इसलिए 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। आज ही के दिन 2002 में अर्जुन सिंह भारतीय वायुसेना के पहले एयर मार्शल बने थे। मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जुन सिंह भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी थे जिन्हें मार्शल ऑफ द एयर फोर्स पर पदोन्नत किया गया था। ये भारतीय वायुसेना में प्रमुख पद पर 1964 से 1969 तक आसीन रहे। 1965 के भारत पाक युद्ध के समय वायुसेना की कमान को सफलतापूर्वक संभालने हेतु इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया एवं 1966 में एयर चीफ मार्शल पद पर पदोन्नत किया गया। 2002 में भारतीय वायुसेना के मार्शल के पद पर आसीन किया गया। ये प्रथम अवसर था कि जब भारतीय वायुसेना का कोई अधिकारी 5 सितारा स्तर पर पहुंचा है। आज ही के दिन सन 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य घोषित किया गया था। हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है। हिमाचल प्रदेश का शब्दिक अर्थ बर्फीले पहाड़ों का प्रांत है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। सन 1857 तक यह महाराजा रणजीत सिंह के शासन के अधीन पंजाब राज्य का हिस्सा था। सन 1950 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन 1971 में इसे हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के अंतर्गत इसे 25 जनवरी 1971 को भारत का राज्य बनाया गया। आज ही के दिन सन 1930 में भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार और कादम्बिनी पत्रिका के संपादक राजेंद्र अवस्थी का जन्म हुआ था। राजेंद्र अवस्थी भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार थे। वे कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। उन्होंने जहां एक पत्रकार के रूप में कई मापदंड स्थापित किए, वहीं अपने साहित्य सृजन में भी अद्भुत सफलता प्राप्त की थी। राजेंद्र अवस्थी नवभारत, सारिका, नंदन और साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक भी रहे थे। वे ऑथर गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे थे। राजेंद्र अवस्थी ने कादम्बिनी के कालचिंतन कॉलम के माध्यम से अपना एक खास पाठक वर्ग तैयार किया था। आज ही के दिन सन 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न का निधन हुआ था। विलियम वेडरबर्न राजनीतिज्ञ व न्यायाधीश थे। सर विलियम वेडरबर्न का जन्म 25 मार्च 1838 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ। वे 1889 में मुंबई और 1910 में इलाहाबाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1887 में वे बम्बई सरकार के मुख्य सचिव थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा। 25 जनवरी दिन शनिवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है आध्यात्मिक। मेष, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 44%। शेयर या नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय शुभ है। आपके कार्य सरलता से पूर्ण हो जाएंगे। आपके शत्रु पराजित होंगे। किए गए कार्य में सफलता मिलेगी। मित्रों से एवं भाइयों से सहयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग आसमानी बसंती तथा निषेद रंग पीला लाल। वृष, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 74%। कारोबार में भी इजाफा होगा। शेयर बाजार आपको मुनाफा दे सकता है। आमदनी बढ़ने से धन लाभ होगा। आपके कार्यस्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार हैं। घर में अतिथि के आने के योग हैं। शुभ रंग सफेद, नीला, काला तथा निषेद रंग पीला सिंदूरी। मिथुन, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। व्यायाम करें और ऊर्जावान बने रहें। आपके प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने वालों को उत्तम लाभ होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य में सुधार के योग हैं। शुभ रंग नीला, काला, हरा तथा निषेध रंग पीला, लाल, गुलाबी।
कर्क आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 62%। प्रोफेशन में बदलाव के संकेत हैं, स्थानांतरण के योग हैं। आप आपकी सेहत को लेकर परेशान रहेंगे। आर्थिक स्थिति प्रभावित होने के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग हरा लाल। सिंह आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 44%। सफलता प्राप्ति की संभावना निश्चित है। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के अवसर बन पाएंगे। मानसिक चिंताओं का समाधान मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। मित्रों एवं भाई बंधुओं के संयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग काला तथा निषेध रंग लाल। कन्या आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 79%। परिश्रम को बौद्धिकता का साथ मिलेगा। आपके सोच विचार से गहनता आएगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कुछ व्यर्थता का अनुभव आपको हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग नीला काला हरा तथा निषेध रंग लाल पीला सफेद। तुला आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। नौकरी संबंधित कोई परेशानी आ सकती है। समय अनुकूल रहेगा। व्यवसाय में धन निवेश के अवसर आएंगे। ऑफिस घर सभी जगह आपके लिए सुखकारक होंगी। कार्य क्षेत्र में बाधाएं दूर होने के योग हैं, किंतु सावधानी अपेक्षित है। शुभ रंग सफेद काला तथा निषेध रंग पीला व गुलाबी। वृश्चिक आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 53%। उपलब्धियों के अर्जित होने का समय है। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बेरोजगारी दूर होकर प्रसन्नता रहेगी। अनावश्यक खर्चे के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग भूरा। धनु आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 52%। भारी आमदनी आने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आवेश में आकर कोई निर्णय ना ले। लक्ष्य प्राप्ति का सतत प्रयास करें। समय धीरे धीरे आपके अनुकूल पक्ष में हो रहा है। परिजन के साथ स्वास्थ्य को लेकर चिंता के योग हैं। शुभ रंग बसंती सिलेटी तथा निषेध रंग काही हरा। मकर आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 79%। परिजनों से संबंधित कोई चिंता परेशान कर सकती है। डरे नहीं अपितु अपने ऊपर भरोसा रखें। आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी। कार्यशीलता में भी वृद्धि होगी। करियर में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग नीला काला हरा तथा निषेध रंग लाल पीला। कुंभ आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। नौकरी पेशा वर्ग के लिए महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। मानसिक व्याकुलता का अंदेशा है, परंतु पुनः जोश में आ जाएंगे। वैवाहिक योग बन रहे हैं। सफलता भी प्राप्त होगी। करियर में अनुकूलता के योग हैं। शुभ रंग नीला काला हरा तथा निषेध रंग पीला लाल गुलाबी। मीन आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 53%। भाग्य आपके साथ है। घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। किसी अनुभवी से सलाह लेकर ही कोई काम करें। कारोबार में अपेक्षित लाभ प्राप्त होने से मन में प्रसन्नता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग बसंती सिलेटी तथा निषेध रंग हरा जामुनी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 8:52 से प्रातः 10:37 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121266888 या 0983706000 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IMT मीडिया।